नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। और इस बार हमारे खास मेहमान हैं बिहार के उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री जय कुमार सिंह। मंत्री जी, आमने सामने के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, बिहार दिवस का आयोजन भी हो रहा है और उद्योग जैसा विभाग आपके साथ है। हालांकि जो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उद्योग विभाग खास तौर पे इसलिए कि नोडल विभाग बनाया गया है। नीरा की बड़ी धूम मची है बिहार दिवस के मौके पे। तो जो शराब मुक्त बिहार बनाने की बात हुई और उसके बाद नशा मुक्त बनाने की बात हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है नीरा को लेकर के, नहीं लगता आपको कि नीरा में मदिरा भी शामिल है? नहीं, देखिए, एकदम नहीं शामिल है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य था एक तो नशा मुक्त बिहार बनाना है, और ताड़ी को लेकर के हम लोगों ने बहुत बातें सुना कि ताड़ और ताड़ी में उलझा हुआ वो पासी समाज जो जीविकोपार्जन के लिए वो काम करते थे, उसको बड़ी सम्मानजनक दृष्टिकोण से भी नहीं देखा जाता था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनकी एक ऐसी रोजगार जो कल तक जीविकोपार्जन रही है वो आर्थिक समृद्धि के लिए वो जो बिजनेस बन जाए। इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया, और उसके लिए निर्णय ऐसे ही नहीं लिया, बड़ी टेक्निकल ढंग से, साइंटिफिक तरीके से हमने कोयम्बटूर को जोड़ा, जो उसके विशेषज्ञ प्रांत रहा है, साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उसका गढ़ रहा है। तो उन लोगों से हमने राय लिया, कुछ उनका साथ हमारी एमयू भी हुई, और हम लोगों ने कहा कि एक इसको नीरा बना करके और हम पूरी बाज़ार में लाएंगे, और वो नीरा जो हेल्थ के लिए गुड फॉर हेल्थ है, और वो एकदम जस्ट नारियल पानी जैसे है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं जो कोयम्बटूर के साथ। गुड फॉर हेल्थ वाकई बहुत बढ़िया स्लोगन है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ख़ास तौर पे जो मूल प्रोडक्ट है आपका, तार से निकलने वाला जो ये ताड़ी है, वो फॉर्मेंटेशन नहीं हो तो इसकी कितनी संभावना आप देख रहे हैं? तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका हम लोग इस तरीके से करें कि हमारे यहाँ खपत के अलावा बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट हो। इसलिए हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोग लगाया, फॉर्मेंटेशन नहीं हो इसकी हमारी निरंतर चल रही है, अभी हमारी ट्रायल में है और हम वो ट्रायल ले चुके हैं। 14 अप्रैल को हम लोग एकदम निश्चित तौर पर इसको उतारेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगले वित्तीय वर्ष में हम ताड़ी बंद करेंगे, लेकिन हम ताड़ी से नीरा बना करके हम बिहार में उतारेंगे, जिसकी प्रशंसा होगी। उसी कृषि वैज्ञानिक का तर्क है कि आप नीरा को बेच तो देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति एक उपभोक्ता के तौर पे उसको खरीद के रख ले, मिट्टी के हांडी में उसको स्टोर करे, दिन भर छोड़ दे, और शाम में जब उसमें मादक तत्व समावेशित हो जाए और तब उसको पिए, तो फिर तो ये तो नशा के रूप में ही उसका इस्तेमाल होगा। नहीं, देखिए, एक तो हम लोग ट्रायल ले रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोगों ने उत्पाद विभाग से जोड़ने का पर्पस यही है कि उत्पाद विभाग अपनी भूमिका में रहे, जो प्रोहिबिशन कानून जो लाए हैं उसको वो देखें, और हम पहले इसकी सर्वे कर रहे हैं कि किस इलाके में हमारी अड़ी की खपत, नीरा की खपत कितना है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो हम एक जगह पर एक तो यूजर लेंगे या स्टोर के लिए ले जाएंगे, तो हमारी उसकी एक जांच पड़ताल भी चलती रहेगी। वो हम ऐसा बना रहे हैं कि एक ड्यूरेशन है कि भाई कितने समय तक मैक्सिमम, चूँकि अभी ट्रायल बेसिस पे फाइनली अकाउंट्स है कि कितना दिन तक उसका डेडलाइन उसको बनाया जाए, लेकिन हम लोग इस बात पर पूरी तहकात रहेगी और ध्यान रहेगा कि हमें कोई ऐसा किसी को स्टोर के लिए नहीं देना है। जो हम जिनको देंगे उस पर हमारी पूरी तहकात रहेगी, और वो एक टाइम रहेगा कि आपको इसको 15 दिनों के अंदर बेच देना है। लेकिन सर, जो गांधी मैदान में भीड़ जिस तरीके से उमड़ी है बिहार दिवस के मौके पे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, मिजाज में वो बात है कि नीरा एक मादक विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, तभी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है डिमॉन्स्ट्रेशन के फेज में। नहीं बल जी, हमने कल खुद पूछा, मैंने वहाँ जितने भी लोग थे, जब मैं यहाँ से गया, चूँकि ओपनिंग करना रहता है हम लोग को अपने विभाग को, और मैं गया तो उसके बारे में हम लोगों ने ये पूछा कि आप इसको जो यूज़ किए हैं उसके पीछे क्या रहस्य है। वो उन्होंने कई हमको 5 से 7 लड़के मिले कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि आप नीरा कब बना रहे हैं, और पूरी तरह से वो डिफिनीशन के साथ हैं कि नीरा
में किसी प्रकार की मादक नहीं है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं कि नीरा गुड फॉर हेल्थ है और उसकी टेस्ट भी अच्छा है। नीरा की ब्रांडिंग करने की बात हो रही थी, खुद आपने कहा था जब शराबबंदी लागू हुई थी तो आपने कहा था कि इसको गोवा के फेनी के तर्ज पे हम विकसित करेंगे और ब्रांडिंग भी करेंगे। फिर ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि आखिर फेनी तो एक मादक विकल्प है, तो लोग इसको गुड फॉर हेल्थ के रूप में लें और मादक विकल्प के रूप में क्यों ना लें? देखिए, गोवा ने जो उसकी ब्रांडिंग किया वहाँ इसकी प्रोहिबिशन नहीं है, वो दारू को बहुत आनंदमय जीवन से जीते हैं, इसलिए उनको अपने यहाँ का सबसे प्रमुख दारू के रूप में उन्होंने ब्रांडिंग किया। हमें उसको ब्रांडिंग करना है उसी तर्ज पर, लेकिन हम मादक के लिए नहीं, हमारी ब्रांडिंग होगी गुड फॉर हेल्थ के लिए। तो हमारी बिस फोकस यही है इस नीरा का कि कल तक इन चीज़ों से ताड़ और ताड़ी से लोग मादक के रूप में इसको देखते हैं और आज इसको दवा के रूप में दिखे, पौष्टिक आहार के रूप में दिखे, यही हमारी पर्पस है। चलिए, हम भी दुआ करते हैं कि ये वाकई दवा साबित हो और मादकता इसमें ना रहे। और भी कई मुद्दे हैं, खासतौर पे स्टार्टअप आपने पॉलिसी बनाई है और उसके अलावा कुछ सियासी बातें भी हैं, वो ब्रेक के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में। हमारे साथ हैं मंत्री जय कुमार सिंह। मंत्री जी, स्टार्टअप की बहुत चर्चा है और केंद्र सरकार भी स्टार्टअप इंडिया कह रही है, एक पॉलिसी केंद्र सरकार की भी है, तो बिहार सरकार की जो स्टार्टअप नीति है उसमें क्या नया है? देखिए, एक्चुअली स्टार्टअप का 2015 में पहले सोच हमारी स्टेट से ही निकली थी। माननीय मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप का एक सोच बनाए थे और स्वागत है कि भारत के प्रधानमंत्री भी देश स्तर पर इसको लागू कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये पॉलिसी आपकी है, केंद्र ने इसको अडॉप्ट किया? बिल्कुल, हम उस तर्क में भी नहीं जाना चाहते। इसकी चर्चा हम ही लोग के यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप का, लेकिन हम इस बहस में नहीं जाना चाहते हैं कौन पहले किया। हम तो लागू करेंगे तो अपने राज्य के लिए लागू करेंगे और एक देश के परिप्रेक्ष्य में यदि लागू हो रहा है तो मैं उसको स्वागत भी करता हूँ। लेकिन हमारी जो पॉलिसी बनी, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देश से बेहतर पॉलिसी बनी। मैं भारत का देश स्तर पर जो पॉलिसी बनी है उसका भी हम अध्ययन किए हैं। उसका पहले जो बनाया गया था, स्टार्टअप को इनोवेटिव आइडिया लाएँ, वो इनोवेटिव आइडिया सिलेक्ट होने के बाद हम जो उनको इंसेंटिव देंगे, वो इंसेंटिव मात्र 3 सालों के लिए टैक्स फ्री था और 3 सालों के लिए इंसेंटिव था। हमारे यहाँ जब फर्स्ट टाइम 2016 में बना, हम पहले ही हमने उसमें कहा कि जो स्टार्टअप हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, तो फर्स्टली प्रारंभिक दौर में उनको आपको प्रचार प्रसार के लिए हम 10 लाख रुपया उनको देंगे, सीड मनी जिसको बोलते हैं, बीज धन उसके रूप में देंगे। लेकिन क्या इसके लिए कोई फंड अलग से बनाया गया है? बिल्कुल बनाया गया, हमारी सरकार ने 500 करोड़ की वेंचर कैपिटल बनाई है और उसको हम स्टार्टअप फंड के रूप में उसको क्रिएट किया है। तो वो पैसा तो मेरा जो सिलेक्ट होने के बाद का चीज़ है, लेकिन 10 लाख रुपया की जो राशि हम लोग दे रहे हैं, ये हमारा एक सेपरेट मनी है जहाँ आपको प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, आपको इस वजह के लिए कि और आपको कोई इसमें शोकेस करना हो, आपको जो खर्च लगेगा, तो मैक्सिमम हम 10 लाख रुपया दिए हैं। और वो 10 लाख जहां 10 वर्षों तक इंटरेस्ट फ्री होगा, उसमें किसी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं लगेगी। सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल सरकार आपकी पूरी करने जा रही है, क्या 10 लोगों को भी स्टार्टअप के लिए फंड मिला है? बिल्कुल, हम देखिए बता रहे हैं, अभी हमको 713 एप्लीकेशन आया। हम बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर, लगभग 11 इंक्यूबेशन सेंटर में बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं विभिन्न क्षेत्र का है। आप किसी कपड़ा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं तो निफ्ट को जोड़े हुए हैं, NIT को जोड़े हैं, IIT को जोड़े हुए हैं, हमारा BIA ने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, BA ने जो बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है वो एक सेंटर बनाए हैं। और इसलिए बनाए हैं कि कोई आइडिया आया, आइडिया को ज़रूरत है उसको और परिपक्व करने के लिए, तो हम इंक्यूबेटर को इंक्यूबेशन सेंटर से टैग करते हैं। और वही नहीं, जो उसमें इंक्यूबेशन जिसको हम बनाए हैं
उसको क्या खर्च है वो इंक्यूबेटर से नहीं लेगा, उसमें भी मैक्सिमम 2 लाख रुपया के हम लोगों ने प्रदानित किया है कि वो भी हमारा पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगा, एक सुविधा। उसके बाद सिलेक्शन होगा, प्रारंभिक दौर के जो कमेटी बनी हुई है हमारे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन भी मेंबर है, उसको प्रारंभिक समीक्षा करेगा, स्क्रूटनी करेगा और स्टार्टअप फंड को देगा। स्टार्टअप फंड फिर हमारे जो एडवाइजरी, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड है उसको देगा। यदि वो उसमें से अनुशंसा करता है तो फिर हमारी ट्रस्ट उस पैसा को रिलीज करेगा। फर्स्टली दे विल रिलीज द स्टार्ट में बीज धन जिसको हम बोलते हैं, वो देगा 10 लाख रुपया। उसमें रिक्वायर्ड होगा कि मैक्सिमम चूंकि 10 लाख है तो उसमें इनकी कितनी रिक्वायर्ड है प्रचार प्रसार के लिए, हम वो करेंगे। इसके बाद आप उनको इंडस्ट्री लगाना है, जो बिजनेस करना है उसके लिए सरकार ने ये भी कहा है कि 3 साल तक हम स्पेस फ्री भी करेंगे, कहा है 5 सालों तक टैक्स नहीं, ये पॉलिसी के तहत है, कहा नहीं है, ठीक है, पॉलिसी का हिस्सा आपको मैं बताता हूँ, आप जो पूछ रहे हैं पॉलिसी का हिस्सा है। 98 जो सिलेक्ट हुए, 107 जो सिलेक्ट हुए हैं वो सेकेंड स्टेज पर चले गए हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज पर चले गए दैट मीन्स कि स्टार्टअप फंड के यहाँ वो पहुँचा है, इंक्यूबेशन सेंटर से होते हुए हमारे यहाँ पहुँचा। अब हम देंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड को और उसके बाद हम उसको रिलीज करेंगे। ये निश्चित है कभी देश में मैं एक कदम आगे जरूर चल रहा हूँ। देखिए विभिन्न प्रदेश बनाया है इन कानून को, लेकिन हम उन लोगों से आगे हैं। ठीक है, आपकी बात मान ली जाए। आप कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप समिट में शामिल हुए और उसके बाद जो खबरें आईं कि एक सवाल पूछने की वजह से जो नौकरशाही का रवैया रहा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि कोई समिट होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई कारोबारी ही शामिल होता है और अगर वो अपनी बात रखना चाहता है, वे ऑफ टॉकिंग गलत हो सकता है, बीच में टोकना गलत हो सकता है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें आई हैं, क्या कहेंगे? क्या ऐसी पुलिसिंग होनी चाहिए? क्या नौकरशाही का ये रवैया होना चाहिए उद्यमियों के प्रति, खासतौर पे वैसे स्टेट में जो कि कंज्यूमर स्टेट है, जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है? देखिए एक बात हम कहेंगे, देखिए युवाओं के लिए तो इस साल हम लोगों ने युवाओं पर ही फोकस किया है। अब जितने भी योजनाएं देखेंगे युवाओं पर हम लोग फोकस किया है। जब सरकार इतनी सारी फैसिलिटेट कर रही है युवाओं के लिए, चूँकि बिहार सरकार चाहती है कि बिहार के यदि आर्थिक समृद्धि की चर्चा हो, युवा भूमिका में दिखे, उसमें युवा उद्यमी बने। हम 2 नारा दिए थे हम जब मंत्री बने, तो माननीय मुख्यमंत्री की हम लोगों की समीक्षा के बाद 2 नारा कि अपनी बॉस स्वयं बनो और जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनो। हम इस चाहते हैं कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, इसके लिए हम फैसिलिटी दिए हैं। उस दिन मीटिंग में जो बातें आई वो जो रेज किए, हमें उसको कोई एतराज़ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री देखे होंगे अपनी संबोधन में कहा कि भाई आपको कोई बात यदि पूछना है तो आपका तो बात मैं एक ही बार में सुन लिया था, वो लेकिन बात तो मैंने कह दी, लेकिन जो उसके बाद जो खबर, लेकिन जो हमको आज मिली है, हम देखे आज ये बिहार में एक थोड़ी सी जो बाहर हमारी परसेप्शन जो बनी है उसको चेंज करने में आप सहायक साबित हो। देखिए उतना है नहीं, ये घटनाएं होती है। वहाँ लड़के सारे इंटेलेक्चुअल आए हुए थे, IIM के लड़के थे, IIT के लड़के थे, NIT के लड़के थे, उसमें से कोई एक लड़का के साथ यदि कुछ हुआ तो ये हम, लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ ये था कि क्या नौकरशाही का ऐसा रवैया, अगर ये हकीकत है? नहीं देखिए, एक तो हकीकत है तो मैं भी निंदा करता हूँ, क्योंकि यदि यूथ को हम एक्साइटमेंट और एक्साइटेड करना चाहते हैं, और एक्साइटेड करना चाहते हैं काम के प्रति, अपने डेस्टिनेशन पर जाने के प्रति, यदि वो लड़का कोई बात बोलता हो उसको पुलिस कोई किसी प्रकार के दंडित करता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लड़के हतोत्साहित हो, इसका मैं निंदा करता हूँ। लेकिन एक बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमने तो एक मुख्यमंत्री के राज्य के मुखिया के नाते और मेरे मंत्री होने के नाते हम लोग तो सॉर्ट आउट कर दिया था, लेकिन पुलिस एक दूसरा पक्ष होता है। ठीक है, पुलिस दूसरा पक्ष होता है। बात ये कहती है विपक्ष की पार्टियां कि जब हम साथ में थे, मतलब NDA की सरकार चल रही थी, JDU जब BJP के साथ थी तब विकास हुआ, पिछले 3 सालों में विकास नहीं हुआ, तो विपक्ष के लोगों के इस आरोप को आप क्या मानते हैं? नहीं, आप सभी पैमाने पर आप देख लेंगे, सभी चीज़ों में विकास बढ़ी है, हमारी कहीं विकास कम नहीं है। बिजली की हम व्यवस्था जिसमें 2011 की औद्योगिक पॉलिसी बनी थी और वो पॉलिसी सक्सेस नहीं हुई तो उसके पीछे
अब उस समय तक रोड नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमज़ोर थे, बिजली हम लोग 6-8 घंटा 2010 तक देखे हैं कि हम लोग 8-9 घंटा तक बिजली पहुंचाए थे, अचीवमेंट समझते थे। आज हम देश के किसी भी विकसित राज्य यदि कहता है कि 20 घंटा बिजली दे रहे हैं तो चुनौती के साथ बिहार खड़ा है। चलिए, बिजली की स्थिति सुधरी है, रोड में सुधरे हुए हैं, तमाम क्षेत्रों में सुधार हुआ, आपकी बात मान लें। लेकिन जो सियासी हालत है सूबे की, बार बार बातें आती रहती हैं कि महागठबंधन में टकराव, बयानबाजी की बातें आती रहती हैं, उसमें सत्ताधारी दल के लोग हैं आप लोग, और ख़ासतौर पे जो आपका इलाका है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जो नतीजे आए हैं उसके बाद अब आप जा रहे हैं दिल्ली में किस्मत आजमाने MCD के चुनाव में। नहीं देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी के विश्वसनीयता पर अब सवाल नहीं उठेगी, एक प्रूफ किए हैं कि काम, देखिए राजनीतिक जीवन में गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला व्यक्ति की मंशा क्या है, उसी के अनुसार राज्य में विकास होती है या विनाश होती है। मुख्यमंत्री के रूप में, विकास पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है, चाहे वो किसी के साथ रहें, लेकिन विकास की मुद्दा से हम लोग भटकते नहीं हैं। बिहार विकास की राह पर चल रहा है, बिहार विकास की राह पर और चलेगा, बिहार विकास की राह पर और चलेगा और BJP के साथ NDA में शामिल होकर चलेगा। नहीं, ये अभी कहना मुनासिब नहीं है भविष्य में, चूँकि राजनीति की गठबंधन पर अभी हम लोग जो चला रहे हैं बहुत बेहतर स्थिति में चल रहा है। कांग्रेस हैं, राजद हैं और हम लोग हैं, बहुत बेहतर स्थिति में अभी सरकार चल रही लेकिन है। लेकिन BJP भी अछूत नहीं है। नहीं देखिए, हम लोग तो कभी विपक्ष को भी बहुत खराब भावना से नहीं देखते हैं। देखिए, विपक्ष भी एक बड़ा अंग होता है और हम लोग उनको भी कहते हैं कि भाई आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हो ताकि विकास पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब सियासत में संभावनाएं हैं, भविष्य में हो भी सकता है। देखिए, संभावनाएं तो आप जिन संभावनाओं से हम लोग गुजर रहे हैं कभी कोई कल्पना नहीं करता। महागठबंधन, ये संभावनाएं जो था किसी के मस्तिष्क में नहीं होगा, ये हम लोग हुए थे। लेकिन हम आज के दिन में जो हमारी महागठबंधन जिस तरीके से चल रही है, अभी हमारी कोई भावी विचार खुद पर करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार बेहतर स्थिति में चल रही है, 7 निश्चय हम लोग किए हैं और उस पर खरा उतरने के हमारे पास अभी है। तो सियासत में संभावनाएं बनी रहती है और कई बार ये भी है, साबित होता है कि 2 और 2 4 नहीं होते बल्कि 2 और 2 22 भी हो जाते हैं। तो मंत्री जी की बातों से भी बहुत साफ है कि संभावनाओं के द्वार बंद नहीं हुए हैं। बहरहाल, स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम हाजिर होंगे फिर से एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।